तो हेलो दोस्तों, एक कहावत तो जरूर सुनी होगी तुमने कि आ बैल मुझे मार। अच्छा ये नहीं तो ये तो जरूर सुनी होगी ना, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। जी हाँ, सिनेमा इंडस्ट्री में कुछ फैसले ऐसे लिए जाते हैं जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग होते हैं, जो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं और एक लेसन छोड़कर जाते हैं आगे आने वाले काम के लिए। दोस्तों आजकल फिल्म बनाने में खुले हाथ से पैसा खर्च किया जाता है, क्योंकि उसके बाद जो आउटकम मिलता है 10 गुने से भी ज्यादा होता है। और इसका मेन पार्ट है जिसकी वजह से जनता में मूवी का हल्ला होता है, क्रेज फैलता है, वो है प्रमोशन। यस, RRR आई थी तो जबरदस्त प्रमोशन हुआ था। सेम चीज KGF में भी हुई थी, यही चीज सेम बाहुबली में भी देखने को मिला था। लेकिन जवान के मेकर्स को तो जैसे सांप सूंघ गया है, बस मूवी बना के छोड़ दी है। जीरो प्रमोशन, जीरो एफर्ट फ्रॉम मेकर्स, पब्लिक के बीच में कोई हाय हल्ला नहीं। तो एक इतनी बड़ी फिल्म, उसका कोई अता पता नहीं है। दिस सॉर्ट ऑफ गैप पब्लिक और मूवी के बीच में काफी गैप कर देगा, जो कि जवान जैसी मूवी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि पब्लिक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है और ऐसे में उनका इंटरेस्ट कहीं और डाइवर्ट होने में समय नहीं लगेगा। लेकिन ये क्या खबर सुनने में आ रही है, सिर्फ टीजर ही पोस्टपोन नहीं हुआ, पूरी की पूरी मूवी को ही पोस्टपोन कर दिया गया है। भाई क्या हो गया मेकर्स को, कौन से सस्ते नशे कर लिए हैं इन्होंने? मतलब फैंस की कोई फिक्र नहीं है, उनकी उम्मीदों की कोई वैल्यू नहीं है। फैंस रात दिन बस जवान के टीजर या फिर कोई अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अपडेट दिया भी तो ऐसा, मूवी ही आगे बढ़ा दी। भैया जनता माफ नहीं करेगी आप लोगों को, डर जाओ थोड़ा ऊपर वाले से, ऐसे किसी की उम्मीदों पर पानी थोड़ी ना फेरा जाता है साहब। जी हाँ, मूवी को अब अगस्त में रिलीज करा जाना है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत गलत फैसला लग रहा है, क्योंकि अगस्त में एनिमल जैसी दमदार मूवी पहले ही इंतजार कर रही है और रणबीर कपूर से टक्कर बहुत भारी पड़ेगा। दूसरा, एनिमल का क्रेज अलग ही चल रहा है पब्लिक में। तीसरा ये कि साला दोनों ही मूवी मास सिनेमा को फॉलो करती हैं, फुल ऑफ एक्शन। और एनिमल मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने कबीर सिंह जैसी दहला देने वाली मूवी दे रखी है पहले ही, बाय गॉड इस बंदे ने प्रॉमिस कर रखा है इंडियन सिनेमा को कि मास मेंटेलिटी कैसी होती है, एक्शन मूवी कैसे बनती है, मैं बताऊंगा। तो भैया बहुत टफ पड़ने वाला है अगस्त जवान के लिए। हाँ, अगर जून में रिलीज होती तो मामला एक तरफा हो सकता था, क्योंकि दूसरी तरफ आदि पुरुष को बहुत क्रिटिक्स मिल रहे हैं और मूवी रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप होने के कगार पर टिकी पड़ी है। लेकिन बहुत बड़ी गलती जवान के मेकर्स ये कर रहे हैं कि जब SRK फीवर ट्रेंडिंग में चल रहा है, पठान से SRK की इमेज को लगातार बूस्ट मिल रहा है, तो इस स्टारडम को ठंडा नहीं पड़ने देना था। नो डाउट इजली जवान 1000 करोड़ का बिजनेस करके जाती, क्योंकि पठान का बूस्टर बहुत हेल्प करता जवान को इस समय। लेकिन सस्ते नशे करके जो मेकर्स बैठे पड़े हैं, जाने कौन सी जिद में है। खैर जो वाइब अभी थी जवान के लिए, वो शायद ही अगस्त में ग्रैब करने को मिल पाए इन लोगों को। बात यह है कि जवान जो डोमिनेंट करने वाली थी जून में, अब आदि पुरुष के लिए खुला इलाका है। जी हाँ, ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ आदि पुरुष जो 16 जून को रिलीज होगी, अब धीरे धीरे जनता के दिल में लगातार जगह बनाती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आदि पुरुष लगातार एफर्ट पे एफर्ट मार रहे हैं, कहीं पोस्टर कहीं मोशन पोस्टर रिलीज करके। लेकिन भाई जवान की लापरवाही बहुत भारी पड़ने वाली है मेकर्स को। शायद ये पठान की सक्सेस एंड ग्लोरी के बाद ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, करना यह था कि पठान का जो क्रेज था उसे खत्म नहीं करना था, जो ट्रेंड पठान के साथ चल रहा था वही ट्रेंड वही हाइप SRK का कंटिन्यू रखना था जवान के लगातार अपडेट से। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इन्हें तो पठान का फुल एडवांटेज लेना था, और फिर क्या, पूरे जून में बस जवान का राज होता सिनेमाघरों में। लेकिन अब आदि पुरुष जबरदस्त दस्तक दे रही है, तो भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत से सवाल मन में लगातार चल रहे हैं। क्या अगस्त महीना चुनकर इन्होंने कोई गलती तो नहीं करी? जैसे ही इससे रिलेटेड कुछ अपडेट आती है हम फिर हाजिर हो जाएंगे आपके सामने। लेकिन ये आप लोग बताएंगे कि आप लोगों की क्या राय है जवान मूवी को लेकर और इसके ये पोस्टपोन डिसीजन को लेकर। यस, कमेंट बॉक्स ओपन है, फटाफट अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू से रिलेटेड और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।